सो गाइस अभी मैं आपको बता रहा था स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन के लिए क्या है कि दूसरी स्क्रीन जो है, स्क्रीन जो है उसको भी लेकर आते हैं, मतलब दो वीडियो रहेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन जो है आपको समझ में आएगा। जैसे कई बार हम दो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पर डालते हैं, या दो स्क्रीन में एक साथ दिखानी है, उस चीज़ को हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, एक मैंने सेट कर लिया है, एक यहाँ पर हमने वीडियो को ले आए हैं, और यहाँ पर लिखा हो इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, और अब की बार जो है इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन यूज़ लिए नहीं आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि हमने जो है ये जो बैकग्राउंड था मास्टर वाला, ये इसको मैंने फुल नहीं कर रखा है। तो इसको जब फुल करेंगे तभी यहाँ पर ये भी शो होगा, इस पर ऑप्शन नहीं आ रहा था। आप देखिए, इस पर ऑप्शन आ गया है क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, सिलेक्शन टूल बार आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेते हैं, चलिए ये फिट हो चुका है। अब इसको हम जाएंगे यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर, और इधर इस साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो थोड़ा सा जाके आप इसको उंगली से करेंगे तो ये जो है खिसक आएगा वीडियो, ठीक है। आप इस तरह से, अब लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये आगे पीछे है, तो इसको क्या करना है कि इसको पकड़ना है आपको, इसको, और नीचे ले जाना है। तो नीचे जैसे ही ले जाएंगे आप तो एक लेयर बन जाएगा, मतलब एक ही दो लेयर हो जाएंगे, तो साथ में दिखेगा। अब देखिए इफेक्ट इसका, आप क्योंकि पहले बगल बगल में था आपका। इसको मैं चालू करता हूँ, और ये लड़की जो है थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ कि दिखे। ये देखिए कुछ इस तरह से, अभी हमारा है और ये लड़की का आ रहा है। तो इस तरह से आप डबल स्क्रीन जो है स्प्लिट स्क्रीन करके सेट कर सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ है कि आप जो है इसमें ऊपर नीचे करके कई सारे सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, लेफ्ट और साइड का दो अगर लगा रहे हैं तो लेफ्ट करिए आप, लेफ्ट में जिसको वीडियो रखना है, जिस वीडियो को, और राइट में जो भी रहेगा उसको उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। अब इसमें ऊपर नीचे भी आता है कई बार, जैसे ऊपर नीचे को दिखाना है, ऊपर नीचे करके अगर हम दिखाना चाहें, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। अगर आप डबल वाला सेट कर रहे हैं तो उस पर बेटर ये रहेगा कि आप इस तरह से स्क्रीन को सेट करिए, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। डबल स्क्रीन करेंगे तो वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये अभी हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक को, सॉरी मैडम को डिलीट करता हूँ, नहीं देखता हूँ। सो अभी स्क्रीन को हम फुल कर लिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉपिंग का ऑप्शन आता है, ये क्रॉप वाला ऑप्शन आ चुका है। अब ये क्रॉपिंग को हम इनेबल कर देते हैं, ओके। ये कह रहा है मास्क कैन नॉट बी यूज्ड इन स्प्लिट स्क्रीन मोड, तो इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल करता हूँ तब ये हो पाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर ये है इसको ऑफ करेंगे, ऑफ पे जाएंगे तब ये हो पाएगा, क्रॉपिंग करेंगे तो ऐसे ही क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप पे गए, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये नीचे वाला पकड़ेंगे तभी आएगा। देखिए ये हमने नीचे पकड़ा तो ये क्रॉप हो चुका है, इधर भी किया तो ये क्रॉप हो चुका है। अब सपोज दैट इतना ही रखना है हमें, तो ऐसे ओके कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसमें नीचे शेप लिखा हुआ है, अगर हम शेप के हिसाब से रखना चाहें, एक बार बैक करता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। बैक किया, ये देखिए बैक हो चुका है। कई बार हम माउस का यूज़ कर रहे हैं, माउस भी लगा रखे हैं, और कई बार जो है थोड़ा सा हाथ भी लगा रहे हैं, हाथ से थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन हम माउस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखे ऑप्शन हम क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए करते हैं माउस से। तो अभी हम कहाँ पे थे, क्रॉप पे थे, तो क्रॉप में यहाँ पर दिखा रहा था शेप, शेप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो ये बेसिकली उसी शेप में एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि कई बार जैसे कि हमें यहाँ पर, जैसे ये है चेहरा हमारा, ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप शेप देकर भी बना सकते हैं। और इसमें जो है
अगर हम फेदर दे देते हैं, देखिए फेदर दे दिया हमने, तो फेदर दे देंगे तो ये बेसिकली क्या है कि अब काफ़ी अच्छा लगा है देखने में, नहीं तो ऐसे देखिए आप लगेगा कि हमने कट कर रखा है। अब इसको कर दिया हमने तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से आप सेप लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार,